गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। और अभी मम्मी जी और मुकुल वेलकम बैक टू मुस्कान न्यू उठ गए। ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज नहीं वो नहीं बोलते हम, क्योंकि हमारे मेहमान ऐसे हर रोज रोज मना कर देते हैं आने से, हाँ, तो उन मेहमानों के ऊपर कोई हमें इंटरेस्ट नहीं रही अब। वो हम उनके आने के बाद ही दिखाएंगे। हाँ, उन्हें तो आज हम जाएंगे मेहमानों के साथ पार्क, आएंगे जब की बात है वो तो। नहीं तो आप चारों ले जाएंगे तो क्या? मैं ट्यूशन भी जाना है। और अभी मैं मेरी तो बात गाइस मैं सुनो, रेडी हो गया बिल्कुल। अभी मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने। तो गाइस आज का लुक है ये, पापा जी की है, क्या कहते हैं, मिड्डी उड्डी उड्डी। ये वो पापा जी की गलत उड्डी है है जो कोने और ये डाल मेरा दी लोअर है। अब मैंने ये डाले मस्त अच्छे पे अच्छी भाई। फिटिंग। मैंने पूजा पाठ लो कर दिया और मुस्कान ने यहाँ पे लिया मेरे लिए ब्रेकफास्ट। तो गाइस अभी मैं रेडी हो गया हूँ खाना वाना खा के और अभी मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने। मम्मी जी हाँ जाऊँ बेटा, मैं? हाँ जा। गौतम को बुला लेते हैं। गौतम आ जा, चले खाना खाना खा खा रहे गए? हैं। मैं खा के आया हूँ अभी। नमस्ते नमस्ते बेटा, रियांशु, कैसे है? ठीक है। सही यार, सुबह से फोन चला रहा है लेकिन ना बताता नहीं है मेरे को। मैं इतनी बार ब्लॉग बनाने की कोशिश की, हर बार फोन चुपा देता है। अब मेरा भाई भी कैसी है, फोन चलाना होगा मेरे पास सरका देगा और वैसे खुद ही ले लेगा। हमारे सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं नीचे भीड़ लगा के खड़े हैं। एग्जाम होगा क्लियर, अभी हम जा रहे हैं घर। सारे पीछे देख रहे हो आप, दूर से ही दिख रहे होंगे आपको। कितने जने थे हम? 10-15। तो गाइस अभी मैं घर पर आ गया हूँ और घर पे अभी काम कार्यवाही शुरू है। किस चीज की? सफाइयाँ। मम्मी जी मैं पेपर ये हो पेपर भी दिया है मैं है? और क्या अभी भाई ले आया पतंग? मैचिंग। और क्या अभी उड़ाते हैं, कई दिन हो गए पतंग उड़ाया मैं। हाँ, मेरी लीला भी खत्म कर दी। किसने? तूने? मैंने तो नहीं करी। और यहाँ पे मुकुल ने बनाई है ड्राइंग, क्या ये सिद्धू मूसे वाला। एक और बनाई थी वो कहाँ पे, इसका क्या नाम है क्या पता, टेडी बियर वाला ये। तो गाइस भाई ने पतंग उड़ा दी है। भाई इतनी जल्दी हाथ में पतंग आती है, पतंग ना उड़े, ऐसा हो सकता कभी? आज की गलत हवा है, हाँ। धूप की साइड की। अभी असीन को जैसे है मम्मी जी ना के रेडी हो गए है ना मम्मी जी? हाँ। तब क्या सामान लेके आने बता दो। सब्जी लिया? हाँ जी। और वो जो बताया हमने, बुआ जी आ रहे हैं ना, और भी है कोई? ठीक है मैं ले आता हूँ। तो जो मम्मी ने मंगवाया था और अभी मम्मी से मिलवा देते हैं, कुछ अच्छे पतंग उड़ा रहे। खाना बना दिया बेटा? बना दिया। तो मुस्कान ने खाना बना दिया, दो फेर का खाना ऊपर छत पे किया जा रहा है, देख लो लोग पतंग उड़ा रहे थे इसलिए। पतंग का चक्कर मना, खाना भी भूल गए हैं। सुबह तो मैं खा करके ही नहीं गया, जैसे थी करके गया था, एक पराठा खा गया था, दूसरा खाने लगा था ना, वो ही आ गया था। हाँ, और एक वो देखो वहाँ पीछे जा रहा छत पे, सब तो ने भी कर दिया। मम्मी हाँ बताऊँ एक, हाँ बसंत पंचमी थी, हाँ जब तो अपने पास ब्लॉग ही नहीं था अपना, चंडीगढ़ पड़ा था, हाँ और दिल्ली भी गया हुआ था मैं, दिल्ली में बिल्कुल पतंग नहीं उड़ रही थी। तो वो कसर पूरी कर रहे हैं। रात को सुनो, बसंत पंचमी के बाद आया अगले दिन, उससे अगले दिन तो बैठ स्कूल जाने लग गया, स्कूल जाने के बाद कभी मौका नहीं मिलता। क्या होगा मुकुल? मैं क्या खाऊं? क्या हो गया? दर्द कर रही है, रात को भी नहीं सोया ना? दलिया खा ले, बिस्किट खा ले चाय के साथ, है ना मम्मी? यही खा सकते है ना, क्या दलिया या बिस्किट? हाँ। क्या मम्मी जी, इतना तेज घाम निकली गया तो गर्मी आ गई। और क्या गर्मी, आप पूछो है ना, इतनी तेज गर्मी आ गई, देख लो मैं तो गाइस आप देख सकते हो मैं आज बाजू में खड़ा हूँ और फिर भी ठंड का नामो निशान ही नहीं है इधर। और इसको जानती होगे आपको, पारस की शादी, पारस चाचू की शादी में दिखा होगा ये बैठे हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे है मम्मी जी ने मंगवाई है टुंटी, है ना? टुंटी मंगवाई, सब्जी मंगवा ली। टुंटी तो अब लानी है मेरे को, क्योंकि गाय जो हमारे गैस, अब तो एक महीने में दो गैस, दो सिलेंडर लगने लग गए, है ना मम्मी जी? वो ना प्लास्टिक की थी, वो गर्म पानी से फैल होगी। हाँ, फैले होगी। हाँ मतलब वो होगी, क्या कहते हैं उसको, फ्री होगी। हाँ, फ्री होगी। हाँ गाय जब कैसे कुछ ऐसे है, मैंने टुंटी ले ली है वाटर प्रूफ गर्म पानी के लिए। और अभी आया मैं दही लेने और साथ में चाचू जी भी है, दिखा देते हैं। चाचू जी नमस्ते। नमस्ते, बना तो लो पहले, खा लो कैसे है, छान छूण के। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कैसे
अभी तो मनाई नहीं, शुरू ही कर रखे है। आज मैं डायरी पे खड़ा था और मैंने बुआ जी को देख लिया, वो बुआ जी की गाड़ी अभी चलती है फटाफट फटाफट। ये मेरे को पागल बना रहे थे आप, मैंने आपको दूर से ही देख लिया था। नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ, मैंने आपको दूर से ही देख लिया था। मैं दूध दाद लेने आया हूँ। हाँ, क्या कह रहे थे? आई नहीं, आपने वीडियो कॉल करी थी, पिक्चर से दिख गए थे। हाँ जी, ये यहाँ से पकड़ना पड़ता है। हाँ यहाँ से, तो फिर ऐसे ऐसे कलडा कलडा कोचा मारना पड़ता है बेटा इसके अंदर। ऐसे हाँ, पैर गर्म हो जाते हैं। हाँ तो पैर तो गर्म होंगे, भट्टी कौन चलने लग रही? जूते डाल के आने पड़ते हैं ना? ना ना, जूते में तो और ज्यादा गर्म हो जाओगे पैर। और खड़ा है कुनी हो जावे तेरे बेटा, 4 घंटे भट्टी का आगे खड़ा होना कितनी मेहनत लगे, पैर फूक जे हैं, पैर काले हो जे हैं। हाय करुआ, कैसे हो करुआ? करुआ नाम होगा दीदी इसका? लड्डू है। करुआ है, लड्डू है, करुआ है। हंस रहे, थोड़ा थोड़ा हंस रहे, हंस गया हंस गया हंस गया हंस गया। गाइस फाइनली मुस्कान दीदी और बुआ जी पहुंच गए। यहां पे मुस्कान दीदी का ब्लॉग चालू है, यहां पे कुकू ले लिया, कुकू ले लिया, देख ले ब्लॉग पर इकट्ठे हो रहे हैं। मूल का तो ब्याज पे सही बात है, और बताओ दीदी कैसे हो? तो गाइस ये मेरे बचपन की चीज, ये पहले 5 रुपए की मिलती थी हमारी खरीदती की दुकान पे, इसके अंदर होता था शहद। ये तो हम कैसे पीते थे, ऐसे निकाल के इसके अंदर शहद होता था, वो उसे बिल्कुल छोटा सा मोरा होता था, उसके ऐसे ऐसे पूरा दिन ऐसे मुंह में लटका के घूमते रहते थे। सच्ची में सच्ची बात है ये, इससे कुछ नहीं। और यहाँ पे चाय पी के फिनिश भी कर दी। वाह, मतलब पी के फिनिश कर दी, बचाई तो नहीं किसी ने। और करुआ बताने क्या कर रहा है? तो करुआ नाम ना पका लड़के का। और क्या नाम है दीदी बता दो मेरे को? कुछ ऐसे है हमारे घर में, जब मतलब कुछ भी बुआ की लड़की बहन की लड़की जब पहली बार घर पे आती है ना, वो एक रस्म होती है, बताना मम्मी वो रस्म क्या नाम है उसका? नहीं वो इसकी रस्म नहीं होती, वो बच्चा था ना पहली बार घर से बाहर अंदर आता है। हाँ, तो उसके लिए करते रस्म का नाम बताओ, छुआ छूत? नाम तो मेरे को भी नहीं पता, अभी तो कह रहे थे ओली छोड़ी रोनी सोनी। चलो फिर मैं जाकर आता हूँ, मेरी उंगली पकड़ ली, कह रहा हाँ करुआ हूँ भाई, मैं तो करुआ है, कलुआ 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 कालिया है तू तो कालिया। और ये हमारी जिमी बैठी, पता नहीं सो रही है जाग रही है क्या हो रहा सब्जी? किस चीज की मम्मी? चावल बनाओगे सब्जी बनाओगे? किस चीज की? आलू की तो बनाना ना, पहले कह दिया आलू की तो बनाना ना। बुआ जी आलू की सब्जी बनानी है, दीदी आलू की सब्जी खाओगे? आलू की बिल्कुल बिल्कुल मम्मी स्वाद ही नहीं बनाती है, हमारे घर में आलू की सब्जी नहीं बनती है, वो ही तो खाने आई हूं। आज आपको एक बात बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, शांत शांत शांत, मम्मी आप प्याज बात जाकर काट लो, आंखों में आंसू आके एक बात बता देता हूँ गाइस, मैं आपको आधा वो लोग मेरे चैनल पे मिलेगा, आधा दीदी वाले पे मिलेगा, आधा बुआ जी वाले पे मिलेगा, आधा चाचू वाले पे मिलेगा, सारों के ब्लॉग पे। अगर मेरी लाइन कट हो जाए तो सोच लेना इन तीनों के ब्लॉग पे आएगी, अगर इन तीनों की लाइन अगर दीदी की लाइन कट हो जाए सोच लेना हम तीनों पे आएगी, बुआ की लाइन कट हो जाए सोच लेना फिर भी हम तीनों पे आएंगे, चाचू की लाइन कट हो जाए फिर हम तीनों पे आएंगे। तो क्यों पका रहा है सबको? सब पकते नहीं मेरी बात से, हंसते है सब, पकते तेरी बात से हंसते है, पूछ लो तो बताओ गाइस आप पकते हो मेरी बात से?
गाइस दीदी को लगभग 1.5 घंटे हो गए आज आई मूवी पे एडिटिंग करते हुए, अभी तक एडिटिंग नहीं हुई है। तू चुप कर, सो रही है अभी। और देख लो दोनों जने एडिटिंग कर रहे हैं, बुआ भी एडिटिंग कर रही है। तो बुआ अभी करवा उठ गया, सोया नहीं था अभी तो, सोया था ये। नहीं नहीं ये इतना जगह दिया। वो रखेंगे हम कपूड़ी रखेंगे और मुस्कान दीदी को लगभग से लगभग ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे हो गए यहाँ पे एडिटिंग करते हुए, लेकिन एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई और बुआ जी बना रहे पूड़ी। और मैं ना दीदी के लिए गज्जक लेने आया था और गुड़ की सेलियां ये वाली लेने आया था ये ख्याल पे। तो गाइस यहाँ पे मम्मी जी ने कर दिया पूरी किचन क्लियर, है ना मम्मी जी? हाँ, अब आराम से बैठ के बात बूत कर लो जो आपने करनी है, मैं व्लॉग एडिट करने के लिए कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, चाय अदरक वाली कड़क वाली पिलाऊंगा। लो आपकी गज्जक, लो आपकी सुवाली सुवाली वो गुड़ की, वो क्या कहते हैं पता कहाँ पे गया था, त्रिकोण पारक वाली किट मेरी, कमेंट भी सारा ले रखा। तो करते थे ही नहीं। तो गाइस आपको मेरा गाना कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। हमारी गपूड़ी पपूड़ी सो गई है और यहाँ पे सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या हो गया? मेरा फोन पकड़े इतनी आवाज थी। हाँ दीदी को, अब मैं आपको मेरी जानकारी से पूरी डिटेल बता सकता हूँ। रात के बज गए 11, दीदी को लगभग से लगभग 6 घंटे हो गए ये एक व्लॉग के चक्कर में। ना एडिटिंग तो कर दी, 4 घंटे से बैठे हो या 2 घंटे में एडिटिंग कर दी। एडिटिंग थोड़ी करी है, एक क्लिप बनाते वो लगा देते, एक क्लिप बनाते वो लगा देते, एक क्लिप बनाते वो लगा देते। मेरा 50 मिनट का व्लॉग था, मैंने 11 मिनट का कर दिया, देख लो। छोटी आदमी है, खा लिया मैंने ये। मुस्कान तू दे मम्मी को दवाई, ठीक है, और मैं बना देता हूँ मस्त क्रक वाली चाय। चाय पीनी है, चाय गैस हो रही है आपके ना पियो, ठीक हो जाएगी। जुली जुली चल रहा है, जुली जुली ए जुली 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 जुली। बुआ जी जी पहले माँ ऐसी झूले खिलाती थी ना सारों को, हाँ हट जा कैसे मुकुले। तो गाइस ये देख लो पैरों का भी तस्वीर लगा के बैठ रहे मामा जूजू जूजू के नोनी के छोनी के गुल। ये वो है बेटा जर यो 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 ये यो क्या है नोगा देंगे अंधे लगा दी हैं। यो यो क्या है यो? अरे कोई जल जुलसा है के क्या का कट रखा है मेरी घर में, तो मैं तो मन प्याज की सी आवा। तो गाइस चाय हो गई रेडी, अभी लेके चलते चाय। लो गाइस चाय 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 लो चाय 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 चाय